नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर पर राजनीति होना कोई आम बात नहीं, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सर पर हो। इसी बीच तेजस्वी यादव फिर विवादों में नजर आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर केंद्र सरकार यानी कि भाजपा या सीधा कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर के बहाने अपनी और पीएम मोदी की मार्केटिंग कर रही है। वे बुधवार को मधुबनी के झंझारपुर में पूर्व सांसद रामदेव भंडारी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो ताने देना पड़ता है कि नहीं? इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं और ये लोग यानी कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को बार बार हमारे घर में घुसा देते हैं, लोग थक चुके हैं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ ईडी और सीबीआई, पर फिर भी हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे तो राम आपको कृपा नहीं करेंगे, बात समझने की जरूरत है। नेकी काम कीजिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इसलिए दंगा फसाद इन सबसे बचने की। तेजस्वी यादव ने नौकरी ना मिलने पर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि जितना लाखों का पैसा राम मंदिर पर खर्च हो रहा है उतने में कितने लोगों को शिक्षा मिल जाती। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग पाप करते हैं और फिर राम राम करते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।